فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام قرب و جوار اطراف و اکناف سے آئے ہوئے اور فرقیہ کے گاؤں میں اور گاؤں سے باہر کے لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں وہ تمام سامعین حضرات خواتین پیاری ماں اور بہنوں قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں عزیز بچوں اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو 13 نومبر کے اس اجلاس میں یہاں کتاب و سنت کی باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا. مختلف علماء سے آپ نے بہت سی گفتگو سن لی ہے اور آپ مجھے بھی سن رہے ہیں. کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے ایک سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے. سسٹم جب بگڑتا ہے تو سسٹم کا بگڑنا ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں. میں نے بامبے کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کا ادارہ دیکھا ہے. ایک سسٹم تھا ان کے ادارے میں, جو ٹیچرز پڑھاتے تھے ایک قانون تھا, 8 بجے اسکول کھلے گا, 1 بجے چھٹی ہوگی. کسی بھی ٹیچر کو 8:01 پر اسکول میں آنے کی اجازت نہیں تھی. 7:55 پہ آ جائیے, 8:01 اگر ہوگا تو 3 دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی. یہ آپ کی پرابلم ہے کہ لوکل ٹرین سے آ رہے ہیں یا اپنی سواری سے آ رہے ہیں, کتنا ٹائم لگے گا, کتنا جام لگ سکتا ہے راستے میں, یہ آپ کی پرابلم ہے, ہماری پرابلم نہیں ہے. جب ہم ایک ٹیچر کو تنخواہ اچھی دے رہے ہیں تو اس سے ہم کام بھی اچھا لیں گے. ایک سسٹم تھا ان کا. ایک بار ان کی فلائٹ 5 منٹ لیٹ ہو گئی. اس وقت کنگ فشر چلتی تھی بامبے ایئرپورٹ سے, کہیں پورام میں ان کو جانا تھا, 5 منٹ لیٹ ہو گئی. انہوں نے کنگ فشر فلائٹ
के ऊपर केस कर दिया था, केस कर दिया था, और कोर्ट ने डॉक्टर जाकिर नायक की बात को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ा जुर्माना दिलवाया था। और उन्होंने कहा कि हम ट्रेन इसीलिए तो छोड़ते हैं और प्लेन लेते हैं, अगर आप फ्लाइट भी 5 मिनट लेट कर रहे हैं तो क्या फायदा हुआ। और जज के सामने खड़े होकर इतनी दलीलें दे दी थी कि आप 5 मिनट की बात कर रहे हो, 5 मिनट में कितने मुल्क बर्बाद हो गए और कितने मुल्क आबाद हो गए। हमारे यहाँ जलसे तो कराए जाते हैं लेकिन सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। जिस दिन मैंने ये तारीख दी थी 13 तारीख, मैं नहीं जानता हूँ जलसा कमेटी कौन है, मैंने तारीख दी थी मौलाना तौहीद साहब को, अब्बास को, और उसी दिन ये कह दिया था कि मुझे 4 बजे किशनगंज से बस वो ट्रेन पकड़नी है, कोलकाता जाना है, कोलकाता से फ्लाइट पकड़ के मुझे कहीं और निकलना है, मेरी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए। कल तक हमसे ये कहा जाता रहा कि आपका टाइम 11 बजे है, 1 बजे जलसा ख़त्म होगा, हम आपको 3:30 बजे हम पहुँचा देंगे किशनगंज स्टेशन पर। यहाँ लाने के बाद, स्टेज पर बिठाने के बाद हमसे कहा जा रहा है कि आपका टाइम तो 1:30 बजे है। मैं कमेटी से कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि कमेटी के बीच में और हमारे बीच में कोई बात ही नहीं हुई है, जो बीच में पड़ा होगा हम उससे बात करेंगे। मैनेजमेंट बनाइए आप। एक बात याद रख लीजिएगा, ये जिंदगी का मेरा पहला रिकॉर्ड है, पहला, आपके बिहार में 20 साल से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये पहला रिकॉर्ड है जो मुझे 12 बजे से लाकर स्टेज पे बिठाकर 1 घंटा फालतू बिठाया गया है। ये जिंदगी का मेरा पहला रिकॉर्ड है, इतनी देर में स्टेज पर नहीं बैठा हूँ, लेकिन आपने इस रिकॉर्ड को तोड़वाया है, मैं भी इसको जिंदगी भर याद रखूँगा। मैं भूलता नहीं हूँ, जहाँ मेरे साथ एक तारीख बन जाती है उस गांव का नाम मेरे जहन में ज़िंदगी भर रहेगा। वैसे मुझे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ कब आया था, कोई कह रहा 2006 में आए थे, कोई कह रहा कि 2010 में आए थे, कोई कह रहा था कि आप 6 साल पहले आए, मुझे मालूम ही नहीं। एक साहब ने मुझे बताया है कि आप यहाँ एक बार आ चुके हैं और आपका जूता भी यहाँ से चोरी हुआ था। जब उसने ये मुझे बताया तो फिर आज मैंने जूता इस टेबल के नीचे रख दिया ताकि फिर ना हो, क्योंकि बहुत से लोग जूता इसलिए चुराते हैं कि मौलाना जर्जीस का जूता पहनेंगे तो शायद जन्नत में चले जाएं। अरे भाई, मेरा जूता पहनने से किसी को जन्नत थोड़ी मिल जाएगी, मौलाना जर्जीस को खुद नहीं मालूम कि वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी। मैं इसमें पूरा मुबाहस पूरी बहस नहीं करना चाहता हूँ, बस एक नसीहत देना चाहता हूँ जलसा कमेटी को, मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है तो आप नाकाम हैं, फेल है पूरी तरीके से। सिस्टम बना के रखिए। आप किसी मुकर्रर को अगर टाइम दे रहे हैं 12 बजे का, मुकर्रर की जिम्मेदारी है कि 11:59 पे वो अपनी बात ख़त्म कर दे, 12:01 नहीं होने दे, ये जिम्मेदारी है। आप हमको टाइम दीजिए, बताइए कितना बोलना है, मैं 2 मिनट पहले अपनी तकरीर ख़त्म कर दूंगा, 1 मिनट आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हमारे जुमे के खुतबे होते हैं 12:30 से लेकर 1 तक, 1:01 नहीं होने देता हूं मैं। सही सलाहियत वो कहलाती है कि आदमी अपनी पूरी बात कम समय में भी कह ले जाए, थोड़े वक्त में भी अपनी बात कह ले जाए। एक बार जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ पर और महात्मा गांधी को बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ा, तो अंग्रेज़ों ने उनको कैद किया, बड़ी मुश्किल से उनको बोलने की इजाज़त दी, लेकिन उनसे कह दिया कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में जो बात कहना हो कहो। महात्मा गांधी ने अपनी बात 1 मिनट में भी कह दी थी लोगों से, और क्या कहा लोगों, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला बोलने का, इन अंग्रेज़ों ने मुझे 1 मिनट का टाइम दिया है, लिहाजा भारत की कंडीशन ये है, हमें यूं करना है, बस ये कहकर वो हट गए। इतनी सी बात कहकर इशारा कर गए कि हमें तुम्हें निकालना है और भारत के अंदर हमें गुलामी से अपने मुल्क को आज़ाद करना है, 1 मिनट में वो अपनी बात कह गए। अच्छा खतीब, अच्छा मुकर्रर, अच्छा मौलवी वो होता है जो कम समय में भी अपनी बात कह ले जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। इस्लाम नाम ही है वक्त की पाबंदी का। देख लीजिए आप, फजर की नमाज उसका एक वक्त है, जोहर की नमाज उसका एक वक्त है, असर की नमाज उसका एक वक्त है, मगरिब की नमाज
उसका एक वक्त है, इशा की नमाज उसका एक वक्त है। ये भी कह दिया गया इस वक्त पर आओ नमाज पढ़ो, और ये भी कहा बिला किसी उज़्रे शरई के अगर आपने वक्त की पाबंदी नहीं की तो आप गुनाहगार भी होंगे। उज़्रे शरई होना चाहिए, बुखार आ गया, बीमार है, आंख लग गई, सो गए, नहीं उठ पाए। ये भी नहीं कहा कि पांचों वक्त की नमाज आप एक ही टाइम में पढ़ लो, चलिए हम खड़े हो गए अल्लाह अकबर, नमाज ही तो पढ़ना है, फजर की नमाज हम अभी पढ़ लेते हैं, नहीं होगी। जोहर की नमाज भी पांचों नमाज हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं, चलिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस्लाम हमें नमाज का नहीं, हमें वक्त का पाबंद बनाना चाहता है। वक्त की पाबंदी करना सीखिया। रोजे का एक वक्त है, आप इस वक्त रमजान के रोजे रखना चाहे नहीं रख सकते, वो अपने टाइम पर ही रखना पड़ेंगे। सर्दी है तो दिन छोटा हो जाएगा, गर्मी है तो दिन बड़ा हो जाएगा। सर्दी है तो रोजा आपको 12 घंटे का, 10 घंटे में रोजा इफ्तार हो जाएगा। गर्मी है तो 14-14 और 15-15 घंटे भी रोजा रखना पड़ेगा। ये वक्त की पाबंदी इस्लाम हमें बताता है। इस्लाम के उसूलों से हम सीखें कि वक्त की पाबंदी क्या होती है। हर मामले में अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए, अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए। एक वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जंगे खैबर के अंदर जो माल काफिरों ने छोड़ा है और हमारे हाथ लगा है, सारे लोग खैबर में लूटा हुआ माल और काफिरों से छीना हुआ माल जमा कर दें, ताकि जो मुसलमान सहाबा जंग में लड़ रहे थे उनमें पूरा पूरा बांट दिया जाए और तकसीम कर दिया जाए। तो सहाबा इकराम दे गए और अल्लाह के रसूल ने जितने लोग लड़ रहे थे सहाबा उनमें बराबर बराबर तकसीम कर दिया। जानते हो एक सहाबी एक महीने के बाद एक चादर लेकर आए और कहा अल्लाह के रसूल जंगे खैबर में काफिरों के हाथ से जो माल लगा उसमें ये चादर भी थी, ये खूबसूरत चादर थी, इस पर मेरी नीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया था, मैं अब देने आया हूँ। अल्लाह के नबी ने सुना तो फरमाया क्या तुमने ऐलान सुना था, माल जमा करने का हुक्म दिया गया था तो सुना था? कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? उस ऐलान को सुनने के बावजूद तुम चादर नहीं जमा किए? कहा नहीं। कहा जाओ अब चादर को जमा करने का वक्त निकल गया, अब इस चादर के हम कितने टुकड़े करेंगे और कितने लोगों को बांटेंगे, अब ये चादर तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि ऐलान किया जा चुका है, वक्त उसका निकल चुका है, तुमने अपने वक्त से अंदर चादर जमा नहीं की है, अब इस चादर को कयामत के दिन लेकर आना। अल्लाह के रसूल ने उस चादर को कबूल नहीं किया। वो सहाबी बराबर नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, सारी इबादतें करते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, हर चीज की पाबंदी करते रहे। फिर एक मौके पर जंग हुई, उस जंग में वो शिरकत भी किए और मुसलमानों के साथ लड़कर कत्ल भी कर दिए गए, शहीद भी हो गए। सहाबा ने कहा उनके लिए खुशखबरी है, ऐ अल्लाह के रसूल देखिए वो लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो गए और शहीद तो जन्नती होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लेकिन वो जन्नती नहीं है, लड़ते लड़ते शहीद हो गए उनके बारे में कहा वो जन्नती नहीं है। आपने फरमाया इन शमलती खैबर नारा, यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, जो चादर उन्होंने तकसीम होने से पहले ले ली थी और ऐलान हो जाने के बाद जमा नहीं की, अपने वक्त के अंदर उन्होंने उस चादर को जमा नहीं किया, वो चादर जहन्नम की आग बनकर उनके ऊपर भड़क रही है। उस चादर की अमानत में खयानत करने की सजा जब तक ये जहन्नम में पा नहीं लेंगे तब तक ये जन्नत में नहीं जाएंगे। वो चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम की आग बनकर भड़क रही है। वक्त की पाबंदी देखिए आप क्या होती है। उन्होंने वक्त के अंदर चादर जमा नहीं की, एक दो महीने के बाद जब लेके आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ अब ये चादर कबूल नहीं की जाएगी, कयामत के दिन लेके आना। वक्त की पाबंदी करना सीखिए, एक एक मिनट बहुत कीमती है। दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम और नाकारा वो इंसान है जो वक्त की पाबंदी नहीं करता है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर चार पांच चीज़ें गिनाई हैं। उन चार पांच चीज़ों में जानते हो ये चीज़ आपने क्या फरमाई है? इख्तनिम खमसन कबला खमसिन, आपने फरमाया पांच चीज़ों के आने से पहले पांच चीज़ों को गनीमत जान लो। उसमें आपने पहली चीज़ बताई शबाब का कबला हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो, यानी जवानी में इबादत कर लो, बुढ़ापे में इबादत नहीं कर सकोगे, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। उसमें दूसरी चीज़ आपने फरमाई सेहत का कबला सुकमिक, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान लो। सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह की इबादत कर लो, अपनी बीमारी का इंतज़ार मत करो, क्योंकि बीमारी में न सही से रुकू कर पाओगे, न सही से सजदा कर पाओगे। फिर आपने उसी में पांच चीज़ें जो गिनाई उनमें एक चीज़ आपने ये भी फरमाई हयातक कबल मौत, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जान लो, अपनी ज़िंदगी में नेक अमल कर लो, मरने के बाद अमल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर अमल नहीं कर सकोगे। उसी पांच चीज़ों में एक चीज़ आपने ये भी फरमाई फराग़ कबल शुगल, अपने फुर्सत को अपने टाइम को मसरूफ होने से पहले गनीमत जान लो। यही है वक्त की पाबंदी। अभी आप फ्री हो, बैठे हो, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब दुआएं पढ़ो। टाइम मिल रहा है तो जिक्र अस्कार करो। जब फोन आ जाएगा हमने दो ट्रक माल भेज दिया है, जल्दी जाइए अपने ऑफिस, अब आप ऑफिस में जा रहे हैं, माल उतरवा रहे हैं, पुलिस ना पकड़ ले, जल्दी उसको ठिकाने ले, अब आप बिजी हो गए, अब आप अल्लाह की इबादत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक चीज़ बताई, जब टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को गनीमत जान लो, एक एक मिनट को गनीमत जानने का हुक्म दिया, एक एक मिनट को गनीमत जानो, एक एक सेकंड को गनीमत जानो। जो मिनट तुम्हारी ज़िंदगी से गुजर गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा, इसलिए वक्त की अहमियत को समझो और अपनी ज़िम्मेदारी को समझो। हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी समझे। हज़रत उमर फ़ारूक जब खलीफा बनाए गए तो आपको मालूम होगा, और ये वाक़या शायद आपने आज तक किसी और मौलवी से ना सुना हो, हज़रत उमर फ़ारूक जब खलीफा बनाए गए तो उनके ज़माने में एक ऊँट जो बैतुल माल में था, मुसलमानों की अमानत थी, किसी तरीके से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया और भाग गया। खबर दी गई हज़रत उमर को, वो सोए हुए थे दोपहर में, खबर दी गई एक ऊँट भाग गया। ओफो, या विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, चौकीदार के नाक के नीचे से भाग जाता है। हज़रत उमर फारूक को खबर दी गई एक ऊँट बैतुल माल से गायब हो गया, भाग गया है। हज़रत उमर को पता चला कि एक ऊँट, या अल्लाह, मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। उठे और चप्पल भी नहीं पहनी उन्होंने, नंगे पैर भागे। अरब का रेगिस्तानी इलाका, ऊँट तलाश कर रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, ज़मीन गर्म है। हज़रत उस्मान गनी अपने घर की छत पर खड़े हैं, देखते हैं कि दूर से एक आदमी नंगे पैर भागता चला जा रहा है। दिल ही दिल में सोचते हैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर ये भाग रहा है, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, इसको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए था, ये गर्म जमीन पर नंगे पैर क्यों भाग रहा है, ये बेवकूफ आदमी है, इतनी सख्त धूप में ये कहाँ भाग रहा है, पसीना पसीना। जब हज़रत उमर करीब से गुजरे तो उस्मान गनी पहचान गए कि ये तो हज़रत उमर है। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, इतनी कड़ी धूप में आप कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? फरमाया है उस्मान, बैतुल माल का एक ऊँट गायब हो गया है, वो आगे आगे भाग रहा है, मुझे उस ऊँट को पकड़ के बैतुल माल में जमा करना है। अगर आज वो गायब हो गया तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हज़रत उस्मान ने कहा इधर आओ।
हमारे घर में हमारे बहुत से नौकर हैं, बहुत से गुलाम हैं, मैं इनको भेज देता हूँ, ये ऊंट पकड़ कर आपके बैतुल माल में जमा कर देंगे, आप आइए और पानी पीजिए, नंगे पैर हैं आप। हजरत उमर ने जो जवाब दिया, मदरसे के जिम्मेदारों सुनो, जलसे के जिम्मेदारों सुनो, तुम्हें अभी एक एक पैसे का हिसाब देना है, मदरसे का, जलसे का एक एक रुपए का हिसाब तुम्हें भी देना है, अगर कोई मांगे तो मना नहीं करना चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने जब कहा आओ ठंडा पानी पी लो, बैठो मैं अपने गुलामों को भेज देता हूँ, वो ऊंट पकड़ के तुम्हारे बैतुल माल में जमा कर देंगे। हजरत उमर जवाब देते हैं, उस्मान तेरा पानी तुझे मुबारक हो, तेरे घर की छत की का साया तुझे मुबारक हो, अमीरुल मोमिनीन मैं हूं तुम नहीं, अगर ऊंट गायब हो गया तो कयामत के दिन सवाल मुझसे होगा तुमसे नहीं, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूं तुम नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़े और उस ऊंट को जब तक पकड़ नहीं लिया और बैतुल माल में जमा नहीं कर दिया तब तक उनको नींद नहीं आई। जब बैतुल माल में उस ऊंट को लाए तो बैतुल माल के जिम्मेदारों से पूछा, ये ऊंट कैसे भाग गया, तुमने निगरानी नहीं की, रस्सी तोड़ने में कामयाब कैसे हो गया? तो एक साहब ने बताया, अमीरुल मोमिनीन इस ऊंट की लैटरीन के रास्ते में जख्म हो गया है। दुम उठाया, देखा तो उसमें घाव है, जख्म है, और उसकी लैटरीन के रास्ते से ब्लड निकल रहा था। हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन ये बैठ नहीं पाता है, जब बैठता है तो इसको दर्द और तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ के अंदर इसने ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो गया। हजरत उमर ने कहा, इस ऊंट की लैटरीन के रास्ते में इतना बड़ा जख्म है, ये ऊंट इतना जख्मी हो गया है और अभी तक उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है, हम अमीरुल मोमिनीन लोगों के भी के ही नहीं है, जानवरों पर भी रहम करना हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। फिर उन्होंने हकीमों से पूछा कि कौन सी जड़ी बूटी जंगल से लाई जाए और उसको पीस कर लगाया जाए। हकीमों ने बताया, हजरत उमर अकेले जंगल में जाते हैं, उस जड़ी बूटी को उस पत्ते को तोड़ के लाते हैं, फिर अपने हाथों से पीसते हैं, उसका मरहम बनाते हैं, फिर अपने हाथ से ऊंट का कि दुम उठाते हैं और उस दुम लैटरीन के जख्म के रास्ते पर अपने हाथ से उस जख्म को पर मरहम लगाते हैं, वो जड़ी बूटी लगाते हैं, कहते हैं अल्लाह मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, शिफा देना तेरा काम है, अय अल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो गया, अय अल्लाह अब इसको शिफा देना ना देना ये तेरा काम है, जानवरों पर रहम करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, जो हो सकता है वो मैंने किया है, अय अल्लाह इस ऊंट को जल्दी से शिफा दे दे। इस वाक्य से पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। जिम्मेदारी, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करना चाहिए। वक्त की